देखिए दोस्तों भाभी जी यहाँ मिल रही हैं। देखिए अर्जुन भाई के जो वाइफ है और देखिए इनका भी बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा, सुंदर इतना बच्चा, वाइफ कितनी अच्छी है, फिर भी ये सब चीजों को कर रहे हैं। चल सब लोग पीछे हट जाओ भाई, थोड़ा साइड हो जाइए भैया, साइड हो जाइए, जगह बनोगे थोड़ा जगह दे लोगे, चुप हो जाए पहले, चुप हो जाए भैया, पूरा फोकस करो आ जाओ आ जाओ तो फ्रेंड्स आपने आगे की क्लिप में देखा ही होगा कि अर्जुन की पत्नी कितना ज्यादा रो रही है, लेकिन अर्जुन को बिश्रू राज को मालती को ऐसा नहीं करना चाहिए था फ्रेंड्स, क्योंकि एक साथ में तीन लोगों की जिंदगी समझ लीजिए बर्बाद हो रही है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, स्वागत है हमारे चैनल रंजू ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स तो हम भी ठीक हैं। तो आज है धनतेरस, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और बाकी क्या कहें फ्रेंड्स, आप लोग जान ही रहे हो यूट्यूब पर कितना ज़्यादा तहलका मचा हुआ है मालती चौहान और बिश्रू राज अर्जुन को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा महामारी फैली हुई है यूट्यूब पर। अब क्या बताएं, हमको तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से सभी गलत हैं। बिश्रू ने जो शादी करवाई वो तो गलत है ही, भला बताइए कोई अपने पत्नी की शादी करवाता, कितना भी मरने की धमकी दे रही है, ऐसी औरत का तो मर जाना ही बेहतर है, औरत के नाम पर कलंक है वो, ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है अपने इस कंट्री में, जो कि एक पति के रहते हुए दूसरे पति के साथ शादी करना चाहे, मतलब पता नहीं कैसी औरत है वो, उसका दिमाग कैसे है। सच में वो साबित कर दी कि हम फुअरी ही हैं, वो फुअरी फुअरी है, उसको सब कोई गोरखपुरी भौजी बोलती थी फुअरी है, सच में उसने साबित कर दिया यह काम करके कि वो सच में फुअरी है, फुअरी फुअरा का जोड़ा मिल गया आराम से, और क्या करेंगे। एक प्रकार से समझिए फ्रेंड्स कि तीन जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, दो दो घर उजड़ रहे हैं, एक तो बिश्रू राज का घर उजड़ ही रहा है, अच्छा खासा परिवार था, और दूसरा अर्जुन का आप लोग आगे की क्लिप में लगा देंगे, देख लीजिएगा कैसे रो रही है उनकी वाइफ, कितना ज़्यादा रो रही है, एक बच्चे की माँ वो भी है, उसकी एक बेटी है। तो क्या कहा जाए फ्रेंड्स, दुनिया है ये कलयुग चल रहा है, आज इसने जैसा काम किया है कोई भी मर्द अपनी औरत पर विश्वास ही नहीं करेगा, और औरत का समझ लीजिए इसने सर नीचा कर दिया ऐसा काम करके। पहले तो ज्योति मौर्य वाला केस चला, फिर उसके बाद सीमा हैदर का केस चला, सब एक दूसरे का देख देख करके सब सोच रहे हैं, मतलब शादी को एक गुड्डी गुड़ियों का खेल बना के रख दिए हैं, शादी शादी नहीं रह गई है इन लोगों की नज़र में, गुड्डी गुड़ियों का खेल हो गया, जब चाहा तब खेला, जब मन भर गया तोड़कर फेंक दिया। तो क्या कहा जाए फ्रेंड्स, शादी क्या, ये लोग शादी के नाम पर ना मजाक बना के रख दिए हैं, मजाक कर रहे हैं, शादी करेंगे उसके बाद मन भर जाएगा फिर दूसरे के साथ शादी करेंगे। क्या कहा जाए फ्रेंड्स, हम तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि मालती चौहान, पहली गलती तो बिश्रू राज की है, उसने जो शादी करवा दी, अगर उस वो बिश्रू राज बोल रहा था वीडियो में, हमने देखा था कि बोल रहा था कि जो है अगर नहीं शादी करवाते अर्जुन के साथ, तो मालती उसको धमकी दे रही थी कि मैं मर जाऊंगी अगर अर्जुन के साथ हमारी शादी नहीं करो, अरे मर जाना ही बेहतर है ऐसी औरत का, मर जाने देना चाहिए था, जिंदा रहने का कोई हक नहीं है ऐसी औरत को। पर उसने जो दूसरी शादी करवा दी, ये कौन सा प्यार, वो बोलता है बिश्रू राज की हम मालती से बहुत प्यार करते इसलिए अर्जुन के साथ शादी, ये कौन सा प्यार है। अगर अपने से कोई मतलब छोटा है अगर बोलेगा कि जो है तुम कुएं में कूद जाओ, तो कोई बड़ा इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, कुएं में कूद जाएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको जो है शादी नहीं करवानी चाहिए थी बिश्रू राज को, लेकिन उसने शादी करवा दी, पहली गलती तो उसने की। दूसरी गलती इसने की
कि जो है अपना बसा बसाया घर छोड़ करके गई दूसरे के साथ अपनी हवस की भूख मिटाने। उसको तो हवस की भूख है मालती को, हम तो बस इतना ही कहेंगे। और उसके साथ भी नहीं बनेंगे तो तीसरे के पास भी अब जाएगी। अब कोई कंफर्म थोड़ी ना है कि बस अर्जुन के ही साथ रहेगी, ये भी तो कंफर्म नहीं है। उसकी नज़र में तो शादी गुड्डी गुड़ियों का खेल हो गया है, शादी मजाक बन गई है, मजाक बना के रख दी है शादी को। इतना पवित्र रिश्ते को उसने दाग लगा दिया है शादी नाम को। कैसी बेवकूफ़ औरत है, औरत के नाम पर कलंक है। जितना हरामजादी को गाली दिया जाए फुहरी को उतना ही कम है। छी, ऐसी औरत पर थू है। फ्रेंड्स, हम एक लेडीज हम भी हैं, दूसरे के लेडीज के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहते हैं, लेकिन उसने ऐसा काम ही घटिया कर दिया है कि ना चाहते हुए भी उसके ऊपर ऐसा ऐसा मतलब बोलना पड़ रहा है। हमको बड़ी शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि एक लेडीज हम हैं और दूसरे लेडीज के ऊपर इतना कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसने ऐसा घटिया काम कर ही दिया है कि सभी को बोलना पड़ रहा है, सारे यूट्यूब फैमिली को उसको गाली देना पड़ रहा। अब पता नहीं कहाँ लेकर के अर्जुन को फरार हो गई है कि उसका नाम ही पता नहीं है, सोच लीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, क्या बोलें, ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, बाकी तो आप लोग जान ही रहे हो। आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें जो कहना था सो कह दिया, लेकिन उसकी वाइफ, अर्जुन की वाइफ की, अर्जुन को देखो, उस काली चरण को, काला सांड को, काली चरण को भी नहीं समझ में आया कि मान लो मालती को तो नहीं समझ, फुहरी को समझ में आया कि चलो ठीक है हम दूसरी शादी इसके साथ, लेकिन कम से कम अर्जुन को तो दिमाग होना चाहिए था कि हमारी इतनी अच्छी वाइफ है, हम इतना अच्छा परिवार है, क्यों हम छोड़कर दूसरे के साथ शादी करें। लेकिन उसको भी वही भूख थी हवस की। दोनों लोग को हवस की भूख है, जहाँ हवस की भूख मिटी तहाँ ये लोग फिर जुदा हो जाएंगे, फिर किसी दूसरे को खोजेंगे। लोगों की शादी कभी सक्सेस नहीं हो सकती। जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनकी आदत पड़ जाती है ऐसा करने की, एक ना सही दूसरा सही, दूसरा ना सही तीसरा सही, ये लोग ऐसे कारोबार फिर करने लग जाते हैं। क्या बताएं फ्रेंड्स, कुछ बोलकर भी बोला नहीं जा रहा है, जितना बोले इन लोगों के बारे में उतना ही कम है। हमें तो जो समझ में आया हमने अपनी राय दे दी, अपना मतलब क्या बोलते हैं, जो हमारी समझदारी में था बोल दिया, जो हमको समझ में आया, जो हमारे विचार में आया वो बोल दिया। और आप लोगों के विचार में क्या आ रहा है, आप लोगों की समझ में क्या आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, फिर कोई नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।